नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, आज जो शिवराज कैबिनेट की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक थी वह खत्म हो चुकी है और कैबिनेट में आज कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हम जानेंगे। शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय जानेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारी सहित मध्य प्रदेश के सभी लोग देखें। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लगी है। लेट्स गो। उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है, चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे। अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस, ये नाम वास्तव में सार्थक भी होगा। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि वो चंबल जो कभी डाकुओं के नाम से जाना जाता था, वो चंबल जो कभी दुर्दांत लोगों के नाम से जाना जाता था, चंबल प्रोग्रेस वे बनाकर एक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एक क्रांति, रोजगार क्रांति, ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं उस इलाके में कि जहाँ रोजगार के लिए नौजवानों को अनेक अवसर पैदा होंगे। ये चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर आज मंगलवार को इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार एमपी में वर्चुअल शिवराज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से, मंत्री अपने घर और अधिकारी मंत्रालय में अपने कक्ष से इस पहली वर्चुअल कैबिनेट में शामिल हुए। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट अब चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें तय किया गया है कि यह महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस में रखा जाएगा। यह परियोजना चंबल क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। परियोजना में सड़क के दोनों औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, साथ ही टाउनशिप भी बनेगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ अब नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा। इस योजना में लघु व्यवसायियों की आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपये के ऋण और ब्याज पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में गरीबों का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार जल्द ही अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ गरीबों को हड़पी गई राशि को भी वापस दिलाई जाएगी। गृह एवं जेल विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना 15 अगस्त तक तैयार कर लें। प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेता को व्यवसाय के लिए बैंकों से 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। इसके लिए योजना की शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाएगी। इसके तहत अभी तक 8 लाख से ज़्यादा पथ विक्रेताओं के पंजीयन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।